प्रोजेक्ट किसे कविता में आपका स्वागत है। पहाड़ में चलते हुए विद्यार्थियों के साथ या शिक्षकों के साथ एक अपनी तरह का अनुभव होता है और कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमें हर पल रोमांचित करती है, जिन्हें हम याद करते हैं तो एक तरह से हमारा मनोरंजन भी होता है। 1984 कालानाग एक्सपीडिशन की सफलता के बाद एक लंबा चौड़ा जो ग्रुप है विद्यार्थियों का, वो चलने के लिए तैयार मिला था, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि एक्सपीडिशन में खाने पीने का तथा दूसरा सामान कितना कुछ चलता है साथ में। एक अपनी तरह का ये टेस्ट भी है व्यक्ति की पर्सनैलिटी में से निखरने का। 1985 नून स्कूल के लिए गोल्डन जुबली ईयर था, स्वर्ण जयंती समारोह भी होने थे दुनिया भर के, तभी एक एक्सपीडिशन का आयोजन भी किया गया था। काराकोरम रेंज में सिया कांगड़ी एक अच्छी सुंदर पीक है, उसी की तैयारियां संपन्न होने शुरू हो चुकी है। और इसी के संदर्भ में दिसंबर 1984 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का जो ट्रेनिंग एरिया है उसी में ही रॉक क्लाइंबिंग कैंप भी ऑर्गेनाइज किया गया है, और अप्रैल 1985 में निम के ही ट्रेनिंग एरिया जो है ग्लेशियर ट्रेनिंग एरिया दीनगाड़ ग्लेशियर में, उसमें व्यवस्था जो है की गई है। निम हर पल हमारा सहायक रहा, निम के इंस्ट्रक्टर भी हमारे साथ हैं, उन्हीं से सामान लिया है इस ट्रेनिंग के लिए, और लंबा चौड़ा ग्रुप है लगभग 20, उसमें छात्र हैं, 3 अध्यापक हैं, वे ट्रेनिंग के लिए दीनगाड़ की ओर जो है वो चलने के लिए तैयार हैं। 1 अप्रैल को हम देहरादून से चले हैं, उत्तरकाशी से सामान आदि ले लिया गया है और बस भटवारी होकर के गंगा जी के किनारे यानी भागीरथी के किनारे भुखी एक गांव है वहां पर पहुंच गए हैं, जहां से हमारी पैदल यात्रा जो है वो शुरू होनी है। भागीरथी के उस पार थोड़ा ऊंचाई पर तेल गांव है, तेल से चलते हुए एक जंगल कैंप बीच में लगता है, जंगल कैंप से लोड फेरी होती है दीनगाड़ ग्लेशियर तक, और दीनगाड़ ग्लेशियर में ही ये जो है वो कैंप स्थापित होता है। ट्रेनिंग के लिए तैयारियां शुरू हो गई है, जैसा कि मैंने बताया टेक्निकल सामान सारे का सारा, उसी में जुमार भी है, रोप्स भी है, हर तरह का जो सामान है वो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से हमें मिल गया था, उन्हीं के शिक्षक हैं। ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ये जो बेस कैंप है बहुत खूबसूरत स्थान है, क्योंकि उसके नॉर्थ साइड में पीछे एक खूबसूरत ऊंचा पॉइंट है लगभग 17,500-18,000 की ऊंचाई पर, और यदि हम थोड़ा नॉर्थ की ओर देखते हैं, नॉर्थ से थोड़ा सा पूर्व की ओर आ जाएं, सामने एक धार है मचॉय धार, और उसके दूसरी ओर जो है लोधगाड नामक ग्लेशियर है, और जो वो ग्लेशियर कहाँ है जॉनली से मिल रहा है। जॉनली एक तरह से बेस कैंप से लगभग पूर्व की ओर है, और यदि आप थोड़ा और दक्षिण की ओर आ जाएं तो द्रौपदी का डांडा एक पीक है जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान वाले जो है एडवांस कोर्स को करवाते हैं। अब ट्रेनिंग में मुख्य रूप से क्या रहता है, ग्लेशियर ट्रेनिंग में किस तरह से ग्लेशियर में चला जा सकता है। ग्लेशियर एक तरह से परमानेंट स्नो लाइन है, वहां बर्फ भी आपको मिलेगी, सख्त बर्फ, कोमल
बर्फ भी मिलेगी, स्नो जिसे कह देते हैं, उसमें चलना है, उसमें क्रेवासिस भी आएंगे, क्रेवासिस में से भी कैसे बच करके निकलना है वह भी एक ट्रेनिंग है, फ्रंट पॉइंट क्लाइंबिंग किस तरह से की जाती है वह भी एक ट्रेनिंग है, उसमें भी फ्रंट पॉइंट क्लाइंबिंग जो है स्नो में और आइस में किस तरह से की जा सकती है, जुमार का प्रयोग या असेंडर्स जिसे कहते हैं उनका क्या प्रयोग है, आइसेक्स का क्या प्रयोग है, और बिलेइंग क्या होता है, ये सब कुछ जो है ग्लेशियर ट्रेनिंग में सिखाई जाएगी। ग्लेशियर ट्रेनिंग के बाद जब यदि आप उसमें अच्छी तरह से जानकार हो गए हैं, एक्सपर्ट बन गए हैं, फिर आप क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं, पहाड़ की चोटी क्लाइंब करने के लिए जिसमें बर्फ ही बर्फ है, जिसमें आइस फॉल्स भी हो सकती है, तो उसमें से चला जाता है। ट्रेनिंग चल रही है, प्रातःकाल उठते ब्रेकफास्ट आदि करते और उस ग्लेशियर में पहुंच जाते, ट्रेनिंग होती, लंच के समय लौटते और लौटते के कुछ देर ही बाद लगभग प्रतिदिन का ये खेल था प्रकृति का, बर्फ गिरनी शुरू हो जाती जो दूर देर तक चलती। प्रातः उठते समय मौसम बिल्कुल साफ होता, निर्मल आकाश होता, फिर ट्रेनिंग उसी तरह से चलती और बर्फ गिरने का सिलसिला दोपहर के समय शुरू हो जाता। विद्यार्थी जो है और शिक्षक भी लगभग दोपहर के बाद अपने कैंप्स में हंसी मजाक चलता, खेल कूद भी होता, ताश आदि भी खेलते, सब कुछ चलता। इस तरह से समय हमारा जो है लगभग पूरा होने वाला है, ट्रेनिंग संपन्न हो गई है। सामान्य प्रक्रिया क्या कहती है, ये जो पर्वतारोहण संस्थान है उनमें भी ये सिस्टम फॉलो होता है कि ट्रेनिंग संपन्न होने से एक दिन या दो दिन पहले हाइट गेन के लिए जाते हैं, ताकि यह जाना जा सके कि जिस प्रकार की ट्रेनिंग हमें लेनी पड़ी थी, जो कुछ सीखा है हमने, क्या हम उसका सफल प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। हमारा भी जो है वो योजना बन चुकी है हाइट गेन की, कैंप के नॉर्थ साइड में एक सीधा ऊपर ही ऊपर चलते हुए एक अननेम्ड पॉइंट है, तैयारी चलने की है। मान लीजिए कल हमारा दिन है चलने का, आज शाम के समय मीटिंग हुई है सदस्यों की, उन्हें बता दिया गया है क्या कल प्रातः है 5 बजे से पहले ही हम चल देंगे क्लाइंबिंग के लिए, और ब्रेकफास्ट उससे पहले करना होगा, और उठने का संकेत एक बेड टी के रूप में दे दिया जाता है जो 4:15 बजे के आसपास थी। बेड टी लेकर के मैं बाहर, आप जानते हैं नित्य क्रिया कर्म आदि भी करने पड़ते हैं, तो बाहर चल दिया, कुक बाहर मिला है मुझे, कुक से संदेश मिला कि सर कोई बच्चा नहीं उठा है, किसी ने चाय नहीं पी है। सुनकर के अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहाड़ में यदि अनुशासन नहीं है, समय को हम नहीं समझते हैं, तो कई बार अच्छा नहीं होता है। आवाज लगाई बच्चों को कि देखिए मैं 10-15 मिनट में लौट करके आ रहा हूँ, सभी तैयार हो जाइए, चलना है हमें। मैं लौट आया 10-15 मिनट में, लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं कैंप में। नाराजगी सहज थी, शिक्षक वैसे भी यदि शिष्य नहीं बात को समझता है तो नाराज काफी हो जाते हैं, और गुस्से में तो बहुत कुछ अब शब्द भी फिर निकल जाते हैं, तरह तरह की बातें भी हो जाती हैं। डांटते हुए निकाला सबको कैंप से बाहर। प्रातःकाल का समय आप देख लीजिए, 4:30-5 के आसपास, मौसम ठंडा
और आदेश उछाल दिया, सभी के सभी मुर्गा बन जाओ। और अनुशासन प्रिय विद्यार्थियों की तरह है, जो ईमानदारी से अपने शिक्षक की बात को मानते हैं, सबके सब वो मुर्गा बन गए हैं। कुछ एक पलों के बाद पुनः अपना रूप दिखाते हुए उन्हें कहा, 15 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें तैयार होना है ब्रेकफास्ट करके, और हमें चलना होगा। असर हुआ, चल दिए, और कठिन वो क्लाइंबिंग भी थी, सॉलिड आइस होती है प्रातःकाल के समय, और हम लोग सफलतापूर्वक चोटी पर पहुंच गए हैं। अब कल्पना कीजिए, 20 में से 2 बच्चे अस्वस्थ थे, वो नहीं चले, लेकिन 18 के 18 बच्चे जो हैं और अध्यापक, सबके सब हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं। अति प्रसन्न पल होता है ऐसा, जब पूरे का पूरा जो दल है, चाहे छोटी या बड़ी चोटी है, उसके ऊपर पहुंच जाता है। लौट आए, लंच तैयार है, छोले भटूरे बने हुए थे, हलवा भी बना हुआ था, क्योंकि प्रसन्नता का पल था। खा रहे हैं मुस्कुराते हुए, ग्रुप जो पूरे का पूरा है छात्रों का, शिक्षक भी उनके साथ बैठे हुए हैं, मुस्कुराते हुए एक सभी ने कहा, सुझाव दिया, सर आप बुरा न माने तो एक सुझाव दें। हाँ क्यों नहीं, बताओ सर, वाई नॉट टू नेम द स्पीक, यस, क्या नामकरण हो सकता है आपकी नजर में। सभी ने एक साथ हाथ खड़े करते हुए, मुस्कुराते हुए, झूलते हुए कहा है, झूमते हुए, सर मुर्गा पीक। चारों तरफ खिलखिलाहट, कोई हंसी नहीं रोक पाया, अद्भुत क्षण था वह। वैसे भी सफलता का जो उत्साह होता है वो अलग होता है। आज 35 वर्ष बीत चुके हैं, जब कभी उस समय के वो जो छात्र हैं वो मिलते हैं तो मुस्कुराते हुए, उस पल को याद करते हुए कहते हैं, सर आपको वह नामकरण याद है। कहाँ भूल पाता है ऐसा नामकरण, कहाँ भूल पाते हैं ऐसे पल जो आपने पहाड़ में एक साथ गुजारे होते हैं, जिसमें एक अपनी तरह का मनोरंजन होता है। आज भी सभी जब कभी उसके बारे में सोचते हैं, अविस्मरणीय पल है वह, नहीं भूल पाते, नहीं भूल सकते। पहाड़ ही ऐसा है, हिमालय ऐसा ही है। आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपके पास लौट करके एक नए प्रसंग के साथ आऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।